चिकित्सा और अन्य सुविधाओं में हुए खर्चे को वसूल करने के मामले में सुनवाई करते हुए 25 नवंबर की तिथि नियत की गई है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि आगामी विधानसभा सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री सुविधा और खर्च पर संसद में नया कानून बनाया जा सकता है, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथ और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि अगर सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से विधानसभा सत्र में विधेयक पास करती है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। सेंट्रल चैलेंज है और उस पर बहस चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने आज ये आर्गुमेंट रखा था कि अगली पाँच तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया गया, तो कोर्ट इस केस की हियरिंग एडजर्न कर दे क्योंकि हो सकता है असेंबली में कोई इस पर डिसीजन हो। हमने इस बात को अपोज किया है कि उस असेंबली में अगर कोई कानून बनता भी है और अगर रिस्पोंडेंट्स को उसमें कोई लाभ पहुँचाया जाता है तो हम उसको भी चैलेंज करें कोर्ट के सामने, और उसका ऑर्डिनेंस की लीगैलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो लिहाजा हियरिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। रिस्पोंडेंट्स के वकील आज आए थे, खंडूरी जी के और बहुगुणा जी के, उन्होंने कोर्ट से समय मांगा जवाब देने के लिए। उसको भी हमने अपोज किया है कि ये प्रोलोंग करने का एक तरीका है बस, तो कोर्ट ने अगले मंडे इसमें फाइनल हियरिंग के लिए डेट लगा दी। नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने रुड़की ग्राम पंचायत